साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा घाट के पास बने गेस्ट हाउस में उसका शिलान्यास की लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण किया आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि परिसंपत्तियों का मसला निपटाया गया है, दशकों से चली आ रही समस्या खत्म हुई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को धरातल पर उतारा गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो सदियों से चला आ रहा था जो मामला, उसका समाधान किया गया है, दशकों से चली आ रही समस्या को खत्म किया गया है, किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड पर्यटन निगम को दे दिया गया, उत्तराखंड पर्यटन विभाग उसको दे दिया गया है। और साथ ही वहाँ पर एक भागीरथी पर्यटक आवास नाम से होटल बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत अच्छा बनाया गया है। इसमें लगभग लगभग 100 कमरे भी हैं। इसके अलावा उसमें 12 VIP कमरे हैं, 88 लग्जरी रूम है। एक बड़ा जो होटल है जो वहाँ पर बनाया गया है, भागीरथी पर्यटक आवास के नाम से बनाया गया है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का होटल है। क्योंकि आपको बता रहे हैं, हर एक जो राजधानी होती है वहाँ पर अलग अलग राज्यों के होटल होते हैं, उसी के तहत आज जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का जो होटल था वहाँ पर अलकनंदा, उसको उत्तराखंड पर्यटन विभाग को दे दिया गया है। और भागीरथी पर्यटक आवास के नाम से एक होटल बनाया गया है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उस होटल को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को दे दिया गया है। जी, सीएम योगी ने ये भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को धरातल पे उतारा गया है, जो विवाद था उसे खत्म कर दिया। क्या अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच कोई विवाद भी नहीं है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, विवाद की अगर बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही कट के बनाया गया है, और साथ ही साथ तमाम ऐसे विवाद थे, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन के लिए की बात हो, चाहे पराली को लेकर विवाद लगातार चलता रहा है। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग का विवाद था, क्योंकि जो यूपी पर्यटन निगम का होटल था अलकनंदा, बहुत पुराना होटल था, अलकनंदा घाट के किनारे बना हुआ था, उस होटल को इनको दे दिया गया है उत्तराखंड पर्यटन निगम को। और इसके साथ ही जो भागीरथी पर्यटक आवास है वो नया होटल बनाया, बताया आपको, बहुत बहु आयामी होटल है, बहुत सुचित्र होटल है, कई बड़े कमरे हैं, इसके साथ साथ 100 कमरे बनाए गए हैं, 88 लग्जरी रूम भी हैं, 12 VIP रूम भी है, तो एक बड़ा होटल इनको दे दिया गया। साथ ही साथ चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दूँ बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार दोबारा बनी है, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो अपनी खटीमा सीट से हार जरूर गए थे, पर उनको दोबारा मौका दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चूँकि सीमावर्ती राज्य हैं, इसके अलावा तमाम तरह की जो बस सुविधा है जो वहाँ पर अभी तक नहीं चली आ रही थी या जिनमें कोई रोकथाम था, उन सुविधाओं को भी चालू करने का प्रयास है। और साथ ही कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बहुमूल्य भूमिका है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, उन परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है, और बेहतर परिणाम उन्होंने कहा है कि दोनों राज्य साथ मिलकर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे और श्रेष्ठ रूप से विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। जी गौरव, आज तीसरा और आखिरी दिन है उत्तराखंड के दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो हरिद्वार में कार्यक्रम को तो संपन्न कर लिया गया है, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखा, आपकी आवाज नहीं ले पा रहा हूँ। जी गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखा दोबारा कुछ। जी जी गौरव, जिस तरह से हरिद्वार में आज कार्यक्रम संपन्न हुआ, 3 दिवसीय दौरे पर थे और आज तीसरा अंतिम दिन है, तो अब क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे के? जी, ऋषिकुल महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, वो भी अब होने वाला है, और लगभग लगभग 3 बजे वो कार्यक्रम था, और मेरे ख्याल से अब कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। उसके बाद लगभग लगभग 5:30 बजे वो उत्तराखंड के जो हवाई अड्डा है हरिद्वार के ज्वाली ग्रांड, वहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो निश्चित रूप से जो इनका दौरा रहा है बहुत अच्छा दौरा रहा है, क्योंकि 5 साल बाद अपनी माँ से ही मिले थे, और
अगर पंचूर गांव की बात करें तो पंचूर गांव से उनका लगाव है, क्योंकि उत्तराखंड के जो पंचूर गांव है जो पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है वो योगी आदित्यनाथ की वहां का जो गृह जनपद है वहां से वो निवास करते थे। वहीं से आकर फिर 28 साल पहले वो संन्यास लेने के बाद फिर वो गोरखपुर गए थे, तो निश्चित रूप से जुड़ा रहा है, वहां पर अपने घर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, और चूंकि माँ और बहन से ही मुलाकात की है, परिवारजनों से मुलाकात की है, परिवार का जो कार्यक्रम था उसमें भी शामिल हुए, पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, तो निश्चित रूप से अच्छा भी रहा है और साथ ही साथ राज्य की दृष्टि से भी बेहतर रहा है, चूँकि सीमावर्ती राज्य है उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश में भी शामिल था। इसके अलावा वहाँ सरकारी बीजेपी के निश्चित रूप से बेहतर काम किया है, मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा अब कल अगर कल की हम बात करें तो कल भी अपने गांव से कजून के गांव काफ़ी पहाड़ी पर है, वहाँ पर भी पैदल चढ़ के गए थे, तो निश्चित रूप से ही अपनापन भी देखने को मिला है। साथ ही साथ बहुआयामी योजनाओं पर भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आगे काम करेंगे, ऐसा उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बयान दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आगरा को मेट्रो रेल परियोजना की जरूरत है और इसे तय समय में पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ललितपुर मामले पर अखिलेश यादव की बयानबाजी को घटिया राजनीति का उदाहरण बताया। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी जरूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो, और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को सौंपा। आज के लिए अखिलेश जी का ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ को तोल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं। कोई गलत करेगा तो यह अस्पष्ट संदेश है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं, और मुकदमा लिख जा चुका है, जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरा थाना सस्पेंड किया जा चुका है, उसके बाद घटिया राजनीति करना ये अखिलेश जी के और सपा की आदत। सपा पे निशाना साधते हुए नजर आए हैं और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता जुशान अहमद जुड़ चुके हैं। जुशान, सबसे पहले सवाल कि किस उद्देश्य के साथ आगरा पहुंचे हैं डिप्टी सीएम? प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे हैं, उन्होंने सपा पे निशाना भी साधा है मीडिया से रूबरू होते हुए, प्रदेश में 25 सालों तक बीजेपी रहेगी इस बात को भी कहा है, बड़ा दावा किया है कि 25 सालों तक बीजेपी रहेगी और साथ ही साथ मेट्रो की जरूरत भी बताई है, मेट्रो रेल परियोजना की जरूरत बताई है आगरा में और इसे तय समय में पूरा भी किया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ललितपुर मामले पर अखिलेश यादव की बयानबाजी को घटिया राजनीति का उदाहरण भी बताया है। तो आगरा दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आगरा को मेट्रो रेल परियोजना की जरूरत है, इसे तय समय में पूरा किया जाएगा। ललितपुर मामले पे भी उनका बयान सामने आया है, जिस तरह से बयान सामने आया अखिलेश यादव का उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति अखिलेश कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव की बयानबाजी घटिया है। आगरा के दौरे पर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेट्रो रेल की आवश्यकता बताई है। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर जैसे कई बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा पहुंच रही है, पहुंच गई है और अब बाकी जगह पे भी मेट्रो की सुविधा मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगरा के दौरे पर हैं और यहाँ पे भी मेट्रो की सुविधा और तय समय में काम पूरा करने की बात कहते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जल्द ही मेट्रो का काम अब यहाँ पे भी पूरा होगा, कामों की समीक्षा करते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, किस उद्देश्य के साथ डिप्टी सीएम आगरा पहुंचे?
आपको बता दूं कि ताज नगरी आगरा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का आज दौरा है। आज 10 जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया है। अभी वो हाल ही में जिला अस्पताल में, मैं आपको दिखा दूं, जिला अस्पताल है आगरा का, जिला अस्पताल में वो निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर सभी डॉक्टर और सीएमओ और आगरा के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। यही वो आगरा का जिला अस्पताल है, यहाँ का वो निरीक्षण कर रहे हैं। आईसीयू का भी निरीक्षण किया है उन्होंने। जी, तो तमाम चीजों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने मेट्रो रेल की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और कहा है कि उचित समय में पूरा भी किया जाएगा काम, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले आगरा खेरिया एयरपोर्ट पर उतरे डिप्टी सीएम, उसके बाद से आगरा मेट्रो परियोजना का भी निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्य उनके समय पर ही पूरा हो सके। जी, ललितपुर मामले पे भी बयान दिया है और राजनीति पे भी सवाल उठाए हैं अखिलेश की, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया के सामने बयान दिया है कि ललितपुर मामले पे अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है वो राजनीति में बिल्कुल सही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता जीशांत जुड़े थे आगरा से। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। वहीं आज राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स को जमीनोदोज किया गया। वहीं इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। जिसने भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है अवैध रूप से, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और एक बार फिर आज बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, आज भी अमीनाबाद में बुलडोजर गरजा है, अवैध कॉम्प्लेक्स को ढाया गया है, क्या जानकारी है? जी शिखा, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 आने के बाद अगर देखा जाए तो विगत एक महीने की सरकार हो गई है और दूसरे महीने की शुरुआत हो गई है, तो इसमें बुलडोजर की जो कार्रवाई है अवैध निर्माण और माफियाओं के घर पे, उसमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली है पिछले सरकार से। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज अमीनाबाद चौकी से महज कुछ दूरी के स्थित एक हनुमान मंदिर, जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता था, जिसका नाम महावीर ट्रस्ट था, वहाँ के जो ट्रस्टी थे अशोक पाठक, उनके द्वारा आपको बताएं कि जो LDA की पार्क थी उस पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स का ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें आपको बताएं कि वहाँ के पूर्व पार्षद विनोद सिंघल की तरफ से LDA एवं प्रमुख सचिव को कई बार अवगत कराया गया था और साथ ही साथ 6 महीनों से वो इसकी शिकायत कर रहे थे। तो आज सुबह होते ही जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो JCB और हथौड़े लेकर इस अवैध संपत्ति को, कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए पहुंच गए। और आपको बताया कि जब गिराने का सिलसिला शुरू हुआ था, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो वहां से जो स्थानीय लोग थे, पुलिस प्रशासन उन्हें नज़दीकी चौकी में ले जाकर बैठा देती है, साथ ही साथ जो फोर्स का डिप्लॉय करती है। वहीं आपको बताएं कि नगर निगम के दर्जनों कर्मचारी सुबह से उस ध्वस्तीकरण में लग गए। और आपको बताएं कि ये जो संपत्ति थी ये LDA की पार्क थी और जो महावीर ट्रस्ट के ट्रस्टी थे उनकी तरफ से कब्जा किया जा रहा था। विगत कई महीनों से तमाम लोगों के द्वारा शिकायत किया गया नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों को, जिसको संज्ञान में लेकर आज सुबह इस अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं आपको बताएं कि ये संपत्ति जो बुलडोजर चलाई गई है, जहां ये अवैध कॉम्प्लेक्स 2000 स्क्वायर फीट में बना था, लगभग इसका अगर देखें तो 50% काम तैयार हो गया था और 4 मंजिले की ये इमारत बनाई जा रही थी, जो कि LDA के पार्क के स्थान पर ये बनाई जा रही थी, जिसको स्थानीय लोगों की सूचना के बाद LDA की तरफ से कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु बड़ी त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पे अवैध कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया है, 50% काम पूरा हो चुका था, लेकिन जब शिकायत करी गई तो इसके ऊपर एक्शन लिया गया।
गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 111 नए संक्रमित सामने आए हैं और पिछले 3 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंची है। वहीं पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के मामले एक बार फिर 3000 से ज्यादा सामने आए हैं। कोरोना वायरस के कारण 31 लोगों की मौत हुई है गाजियाबाद में और 3205 नए मामले सामने आए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं 3 महीने बाद, क्या एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल शिखा, देखिए बता दूं कि गाजियाबाद में अगर बात की जाए कोरोना मामले की तो कहीं ना कहीं काफी इस जो 24 घंटे के मामले आए हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जैसे ही मामले सामने आए हैं तो पूरे स्वास्थ्य विभाग के अंदर हड़कंप समझ गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को देखते हुए और जो पहले के स्वास्थ्य विभाग थे जिस तरह से जो चौकसी है वो काफी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर बात की जाए स्कूलों की या जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर तो वहां भी खासतौर पर अब जो चौकसी है वो भी देखी जा रही है कि बाकी जो लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं खासतौर पर दो गज की दूरी नहीं का पालन नहीं कर रहे हैं तो खासतौर पर उनको भी खासतौर पर समझाया जा रहा है कि आप लोग इसका पालन करें क्योंकि इसका पालन बहुत जरूरी है। यही हम लोगों को आगे जो कोरोना की जो आगे की लड़ाई है हम उससे लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे हम जीत भी हासिल करेंगे। जी जी प्रवीण, अगर बात करें इन मामलों की, जो संक्रमण के नए मामले निकल के सामने आ रहे, क्या इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है? क्या पता चल रहा है कि इनका वेरियंट कौन सा है जो तेजी से इस बार फिर से बढ़ रहा है? देखिए अगर वेरिएंट की बात करें तो गाजियाबाद में अभी जो कुछ मामले सामने आए थे जहां पर सीएमओ से हमने बात भी की तो उन्होंने बताया था जो ओमिक्रोन का है, ओमिक्रोन जो अभी आया है नया वेरिएंट आया है तो इसके मामले ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो पहले जैसा जो एक लक्षण था लोगों के अंदर जो ज्यादा विचलित करता था लोगों को खासतौर पर बुखार आना, जबान से स्वाद चला जाना, तो उस तरह से नहीं आ रहे। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हल्के मामले हैं और कहीं ना कहीं रिकवरी रेट ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग जितने संक्रमित हो रहे हैं तो खासतौर पर वो ठीक भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट काफी अच्छा बेहतर देखा जा रहा है। बात करी जाए गाजियाबाद तो क्योंकि दिल्ली एनसीआर पूरा सटा हुआ है, नोएडा है, दिल्ली है, तो वहां से लोग का आवागमन रहता है खासतौर पे, तो वहां से लोग आना जाना करते हैं क्योंकि कुछ लोगों के ऑफिस है जो दिल्ली में है, गुड़गांव में, क्योंकि नजदीक का एरिया है तो वो लोग आना जाना बना रहता है। तो कई लोगों जैसे आपस में मिल जाना, ऑफिस में डिस्टेंसिंग नहीं करना या मास्क नहीं लगाना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो संक्रमण को बढ़ता, जो लक्षण बढ़ रहे हैं खासतौर पर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ढिलाई है लोगों के अंदर भी। अगर लोग इस पे जागरूक नहीं होंगे और आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो दर है, दर रेट काफी बढ़ सकता है क्योंकि चौथी लहर का जो आशंका जो जताई जा रही है वो भी इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं, अवेयर नहीं हो रहे खासतौर पर क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमने बाजारों में भी देखी है, लोग पालन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूट रही है। लोग हैंड सैनिटाइजर नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम दुकानदार की बात की जाए तो दुकानदार बाकायदा कहते भी हैं कस्टमर को कि आप देख लीजिए थोड़ा मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, उसके बाद ही हम आपको सामान भी देंगे। कुछ लोग ऐसे हमने देखे भी है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई हो रही है जिसके कारण ये संक्रमण जो दर है ये बढ़ता ही जा रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। तो गाजियाबाद में लगातार मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद एक पास ही पड़ता है जिसकी वजह से भी कोरोना के मामले लगातार गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।